दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जो अपने किसी न किसी मूवी के डायलॉग से बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। ऐसे ही एक डायलॉग पुराने दौर की फिल्म कर्ण अर्जुन का है, जिसकी वजह से अभिनेत्री राखी बहुत ज्यादा फेमस हुई, और वो डायलॉग है, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। राखी ने अपने दौर में बहुत सी फिल्मों में काम किया और वो फिल्में सफल भी हुई, लेकिन आज भी इन्हें सबसे ज्यादा इनके इसी डायलॉग की वजह से जाना जाता है। कभी बड़े पर्दे पर कमाल दिखाने वाली राखी आज बढ़ती उम्र के साथ बदल चुकी हैं। इनकी आज की हालत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनकी आज की हालत जानने से पहले इनके दमदार डायलॉग और अभिनय के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को एक बंगाली परिवार में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट स्थान पर हुआ। उनके बचपन का नाम राखी मजूमदार था, जिसको उन्होंने शादी के बाद बदलकर राखी गुलजार कर लिया। राखी ने अपने करियर की शुरुआत महज 20 साल की उम्र में बंगाली फिल्म बधुबरन में सन 1967 से की। फिर 1970 में उन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में काम किया। उस फिल्म का नाम था जीवन मृत्यु, और इस फिल्म में उनके साथ थे अभिनेता धर्मेंद्र। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि इन्हें फिल्मों में बेहतरीन योगदान देने की वजह से 2003 में पद्मश्री और 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड और 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनका फिल्मी करियर जितना सफल रहा, उतना ही फ्लॉप इनकी शादीशुदा जिंदगी रही। बहुत ही कम उम्र में राखी ने 1963 में फिल्म निर्देशक अजय विश्वास से विवाह कर लिया, लेकिन राखी की ये शादी बस 2 साल ही चल पाई। 1965 में जाकर इनका तलाक हो गया। फिर कुछ सालों बाद 15 मई 1975 में राखी ने मशहूर गीतकार गुलजार से विवाह किया और उन्हें उनसे एक बेटी मेघना गुलजार हुई। राखी की ये शादी भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 1976 से दोनों अलग अलग रहने लगे। इन्होंने अब तक तलाक नहीं लिया है और ना ही ये साथ रहते हैं। कहा जाता है कि गुलजार नहीं चाहते थे कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करे, लेकिन राखी फिल्मों में काम करना चाहती थी। दोनों की इच्छाएं अलग थी, जिस वजह से दोनों अलग हो गए। कभी जिस फिल्मी दुनिया के लिए राखी ने सब कुछ छोड़ दिया था, उसी दुनिया ने राखी को आज भुला दिया है। आज राखी अकेली जिंदगी गुजार रही हैं। आज की इनकी ये तस्वीरें इनके बीते दर्द को बयां करती है। बुढ़ापा आज इन पर चढ़ चुका है और उम्र के साथ इनकी खूबसूरती भी पूरी तरह ढल चुकी है, वो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। दोस्तों, आपको राखी की कौन सी फिल्म सबसे बेहतरीन लगती है, उस फिल्म का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड के गुमनामी चेहरों की खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।